कासगंज जनपद के पटियाली तहसील सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी कासगंज हर्षिता माधव, पुलिस अधीक्षक कासगंज रोहन प्रमोद बोत्रे ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। समाधान दिवस के दौरान फरियादियों द्वारा कुल 134 शिकायती पत्रों की आमद हुई, जिसमें 6 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए अधीनस्थों को करे निर्देश दिए। फरियादियों द्वारा आई शिकायतों में अधिकतर शिकायतें राजस्व, पुलिस और विद्युत से संबंधित थी, जिन शिकायती पत्रों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर समस्त विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। जिलाधिकारी कासगंज हर्षिता माथुर ने क्या बताया सुनिए। आज तहसील दिवस में विभिन्न तरीके के प्रकरण आए थे। कुल प्रकरणों की संख्या 134 थी, जिसमें आज 6 प्रकरणों को आज ही के दिन में निस्तारण के लिए टीम बनाकर भेजा गया है। अन्य कई प्रकरणों में डेट लगा दी गई है और सभी प्रकरणों में निर्देशित कर दिया गया है कि जहां पे अधिकारी को जाना है स्वयं उसको जाएं, उसमें निस्तारण करें। सबसे ज़्यादा कौन से मामले आए हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, विभिन्न प्रकरणों में आए हैं। कई मामले राजस्व विभाग से संबंधित हैं, जैसे पैमाइश के संबंध में, कुछ बिजली विभाग से संबंधित हैं, कुछ अन्य पेंशन आदि से संबंधित काफ़ी कम आए, लेकिन उनसे भी संबंधित कुछ मामले आए। लंबे समय निस्तारण के लिए कितने निर्देश दिए? देखिए, निस्तारण के लिए जो जिस प्रकरण को देखा जा रहा है उसकी जो प्रकृति है उसके अनुसार है। जैसे अगर पैमाइश का केस है या यदि न्यायालय में पेंडिंग केस है तो उसको उसी प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा, परंतु कोशिश हमारी ये है कि जल्द से जल्द जो व्यक्ति तहसील दिवस में आया है उसको जल्द से जल्द और त्वरित निस्तारण मिले।